हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एसएससी सीरियल 2023 के बारे में खुशखबरी आपको मिल चुकी होगी। इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में क्या कुछ खास है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वैकेंसी कितनी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, टायर वन का एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट कौन सी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन, अप्लीकेशन फ़ी कितना है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद एसएससी सीरियल 23 के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही पैशनेटली एसएससी और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए वीडियो में बात करते हैं। इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट जो एसएससी सीरियल 2023 है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, 7500 के पार वैकेंसी आने वाली है। इसमें केवल और केवल जो ग्रेजुएट होंगे किसी भी डिसिप्लिन से वो अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। लास्ट डेट 3 मई है। यह जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, यानी कि इंडिया में प्रत्येक जगह कराया जाता है। जॉब का लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया रहता है, तो आप अपनी पसंदीदा जगह पे जॉब पा सकते हैं। और साथ ही साथ यह जो जॉब होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन लोग एलिजिबल हैं। तो जिनका एक बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन से, कोई एक अच्छे यूनिवर्सिटी यानी कि रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और कंपाइलर का, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथ की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। 3 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 7 से 8 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो। और टायर वन का एग्ज़ाम जो होगा वो 14 जुलाई से 27 जुलाई तक होगा, तो आपके पास समय बहुत ही कम है, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। जो भी कैंडिडेट 18 से 30 साल तक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं आप, अगर आपको रिलैक्सेशन की आवश्यकता है तो आपको इतना रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जो है वो लेवल 8 की है, और सबसे कम जो सैलरी मिलती है वो लेवल 4 में आता है। लेवल 8 में एओ की पोस्ट आ जाती है, लेवल 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का पोस्ट आ जाता है। लेवल 6 में एएसओ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट और जेएसओ का पोस्ट आ जाता है। लेवल 5 में ऑडिटर अकाउंटेंट का पोस्ट आता है। लेवल 4 में पोस्टल असिस्टेंट सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यूडीसी टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में दिया हुआ है कि आपको पेमेंट क्या होता है और साथ ही साथ एचआरए डीए टीए डिडक्शन कितना होता है। मैं आपको केवल इनहैंड सैलरी बता दे रहा हूँ, जो भी आपका ड्रीम पोस्ट है उसके अनुसार आप सैलरी देख सकते हैं। लेवल 8 में 74,000 सैलरी मिलती है, लेवल 7 में 70,000, लेवल 6 में 55,000, लेवल 5 में 45,000 और लेवल 4 में 39769 यानी कि लगभग 40,000 के आसपास सैलरी आपको लेवल 4 में मिल जाती है, ठीक है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही साथ हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको करेक्टली, बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं अपडेट होते हैं वो आपको बताते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ तक तो बात हो गई कि कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या एज चाहिए, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आगे सिलेबस भी बताऊँगा, उससे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है टायर वन का, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसका डेट भी रिलीज किया जा चुका है, 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आपका टायर वन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। टायर टू जो एग्ज़ाम होता है वो उसी पे मेरिट डिसाइड होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है सितंबर में हो सकता है। टायर टू के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप
नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो, लेकिन अगर आप लेवल 8 के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 3 और पेपर 4 करके एक होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो आपको देना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। तो यही सिंपल सा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि अभी जो मिशन मोड चल रहा है उसके कारण इसको बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले 3-4 स्टेज में एग्जाम ही होते थे, उसके बाद सिलेक्शन होता था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। टायर 1 टायर 2 दोनों का सिलेबस आपको बताता हूँ। टायर 1 जो है वह सबसे पहले तो क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। सभी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के लिए 50 मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, समय आपको 1 घंटे का मिल जाएगा। जो स्क्राइब लेकर एग्ज़ाम देते हैं उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। टायर 1 जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटर पे, इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 0.5 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग 0.5 बोले तो, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट होता है आपका तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो माइनस हो जाता है 0.5 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर बात कर लेते हैं टायर 2 के सिलेबस की। टायर 2 का सिलेबस सबसे पहले नॉर्मल पोस्ट के लिए केवल और केवल पेपर 1 देना होता है, और जो AAO की पोस्ट होती है उसके लिए पेपर 2 और पेपर 3 भी देना होता है, ठीक है। पेपर 1 में 2 सेशन होता है 1 घंटे के अंतराल में। पहले आपका सेशन 1 होता है, उसके बाद आपका सेशन 2 होता है। सेशन 1 यानी कि जो पहली बार आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए 1-1 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे कि आपका सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग होता है, मैथ रीजनिंग का टोटल 60 क्वेश्चन होता है, 30 30 180 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन 2 में इंग्लिश 45 मार्क्स का होता है, और जो GK है वो 25 मार्क्स का, तो टोटल 70 मार्क्स का ये हो जाता है। तो टोटल जो आपका सिलेक्शन होगा वह 390 मार्क्स के आधार पर होता है, ठीक है। सेक्शन 3 जो है उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, जो कि क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। अब जब आप सेशन 1 दे देंगे, यानी कि ये वाला जो कंप्लीट आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके 1 घंटे के बाद आपको सेशन 2 हो जाता है, ठीक है। सेशन 2 में केवल और केवल टाइपिंग होता है 15 मिनट, ठीक है, जिसके लिए टाइपिंग जो होता है 2000 वर्ड आपको दिया जाता है, 15 मिनट में आपको कंप्लीट करने होते हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 भी होता है। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स होता है, और पेपर 3 जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों 100 100 क्वेश्चन के 200 200 मार्क्स के होते हैं, और समय इनके लिए 2 घंटे का दिया जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों सिलेक्शन में जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका सिलेबस है, और भी जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बोनस आप इसको समझ लो, सेफ स्कोर में बताने जा रहा हूँ कि आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है 2023 के रिजल्ट में। वैकेंसी को देखते हुए EOR का 140, OBC का 135 से ऊपर आप लाते हैं, EWS का 135 प्लस, SC का 120 और ST का 110 अगर आपका आता है, तो आपका जो टायर 2 में सिलेक्शन है वह हो सकता है। यहाँ पर 2020 2021 2022 का भी आप वैकेंसी का जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको SSC CGL 2023 से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, जो भी इन्फॉर्मेशन था, वह करेक्टली आपको मिल गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।